हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। ये देखिए कर्ली क्रोटोन, क्रोटोन की एक वैरायटी। ये जो आपको स्टैंड दिख रहा है ये मैंने अभी मीशो से मंगवाया था और कुछ शॉपिंग भी करी थी मैंने प्लांट्स की, जैसे ये अलोकेशिया है, मोन्स्टेरा, ये सिल्वर ओक है, छोटे छोटे प्लांट हैं ये। और एक ये अलोकेशिया की दूसरी वेराइटी है, ये मैंने चंडीगढ़ से किसी एक नर्सरी से लिया था। बहुत सारी नर्सरी मैंने विजिट की थी वहाँ पर और मेरे को ये जो रेयर प्लांट है ये लेना बहुत अच्छा लगता है, रेयर प्लांट, क्योंकि कॉमन प्लांट तो सभी के पास मिल जाते हैं। और ये देखिए ये मोन्स्टेरा बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अभी जब मैंने रिपोर्टिंग की थी सर्दियों में तो इसके बस छोटी सी टहनी रह गई थी और अब इस बिल्कुल अच्छी ग्रोथ हो रही है, चल रही है। इसकी मनी प्लांट की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बड़े बड़े पत्ते वाला जो मनी प्लांट है। और इधर आपको मनी प्लांट की दूसरी वैरायटी दिख रही है, ये कोना मैंने बना रखा है सिंगोनियम का, ऊपर ग्रीन सिंगोनियम है और बीच वाले में पिंक सिंगोनियम है। और सामने आपको दिख रहा था एग्लोनिमा की वैरायटी। और ये देखिए ये काफ़ी दिन से मैं बाहर ही रही थी तो ना तो वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा था ना गार्डन की तरफ थोड़ा ध्यान जा रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये देखिए ये इसकी ना जगह चेंज करनी पड़ेगी कोलियस की, इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो गए हैं। इतनी मतलब छाया सी में ही रखा हुआ है बट 3-4 घंटे की धूप लगती है सुबह की, वो भी इसके लिए हार्मफुल लग रहा है, हो रही है, क्योंकि इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो गए हैं, इसको जगह चेंज करनी पड़ेगी। और ये जो अभी आपने देखा ये देखिए है ना, स्टेम काटनी पड़ेगी ऊपर से, तभी इसमें नई ग्रोथ होगी और नए पत्ते आएंगे, अच्छा लगेगा। और इससे पहले आपने देखा एक जोरा का प्लांट और ये है रेड येलो बेल पेपर। इसमें देखते हैं लगती है कि क्योंकि ये सीड से ग्रो किया था, अब देखते हैं इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी रेड येलो बेल पेपर। 2-3 प्लांट हैं हुए हैं ये मेरे पास। और ये बाहर की साइड, पीछे की साइड आपको दिख रहा है अलमांडा, इसमें एक येलो कलर का फ्लावर भी आया हुआ है। इसको अभी मैंने धूप में रखा है, अब धूप में थोड़ा सा इसकी अच्छे से ब्लूमिंग होगी। और ये है मधुकामनी की बर्ड्स आई हुई हैं, सेकंड टाइम ब्लूमिंग करेगा ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लेके आए थे तब भी उसमें ऐसे ही बर्ड्स आई हुई थी। इसकी भी जगह चेंज करके बाहर की साइड रखना पड़ेगा ताकि 1-2 घंटे की ज़्यादा धूप लग जाए। और अशोका के ट्री भी काफ़ी सारे मेरा अच्छे ग्रीन होना शुरू हो गए हैं पत्ते। और ये देखिए कि ये प्लांट लेके आई थी मैं, 100 का दिया था ये, वहाँ के जो माली हैं वहाँ पर इसको चेट्टी पैटी बोल रहे थे और यहाँ के माली इसको बोलते हैं लॉलीपॉप प्लांट। और एक ये है पिंक और ग्रीन में पोलका डॉट प्लांट, बहुत छोटा सा है, मिनिएचर सा जाता है ये। और एक ये प्लांट लेके आई थी मैं वहाँ की नर्सरी से, चंडीगढ़ से, ये है ब्लीडिंग हार्ट जो मुझे 450 की दी, क्योंकि ये थोड़ा साइज बड़ा था और ब्लूमिंग भी इसमें काफ़ी टाइम रहती है ब्लूमिंग, 10 दिन हो गए होंगे मुझे लिए हुए और अभी भी इसमें ब्लूमिंग चल रही है, वही ब्लूमिंग चल रही है। और ये है फाइकस का प्लांट वेरीगेटेड, जो हर्ट के लीव शेप जैसे लीफ है इसके, इसको भी रिपोर्ट करना है। और ये है ब्लैक जीजी प्लांट और ये 350 का पड़ा, और ये ग्रीन जीजी प्लांट ये 250 का पड़ा, क्योंकि वो ब्लैक है, रेयर है, इसलिए वो 100 रुपये महंगा दिया, हालांकि इसी के साइज थोड़ा छोटा भी है। कुछ ऐसा था कि लोकेशन वाइज वहाँ पर नर्सरी में ज़्यादा रेट थे प्लांट्स के यहाँ की बजाय, और काफ़ी सारी नर्सरी एक ही जगह थी, वहाँ से मैं लेके आई थी, माली तो क्या था और भी कॉस्टली प्लांट देता, नर्सरी से ही हमें यहाँ इतने कॉस्टली मिले हैं। वहाँ की काफ़ी सारी नर्सरी में मैंने विजिट किया था तो जो रेयर प्लांट है वही मैं, ये देखिए ये ट्रैवलिंग पाम है और आगे चाइना पाम है, ये मैंने बहुत पहले यहाँ से ही शॉपिंग की थी। ये जो ट्रैवलर पाम है, ट्रैवलिंग क्या बोलते हैं इसको, ये पाम मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इस ये वाली वैरायटी। और काफ़ी अभी जो चाने में भी काफ़ी ब्लूमिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ओल्ड स्पाइसेज प्लांट है, इसके जो पत्ते हैं उसमें
पांच तरह के मसालों की खुशबू आती है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसमें चल रही है। बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा धूप के कारण पत्ते बर्न होना शुरू हो गए, इनको निकालना पड़ेगा और इसके ऊपर थोड़ी इसको छाया करनी पड़ेगी। वैसे तो यहाँ पर ये कड़ी पत्ते का प्लांट है ज़मीन में, उसकी छाया आ जाती है इसके ऊपर, यहाँ के जो जितने भी प्लांट है सबके ऊपर आ जाती है उनकी छाया, डायरेक्ट धूप में मतलब कम होते हैं वो। और आगे देखिए, ये है वो अडेनियम जिसकी मैं बात कर रही थी, ये 450 के अडेनियम दिए हैं। इसमें फूलों का रंग थोड़ा डिफरेंट है मेरे पास जो अडेनियम है उसके अलावा इसमें, क्योंकि इसमें इस वाले में सबसे छोटे में लाल रंग के फूल आएंगे और इसमें पिंक वाइट मिक्स आएंगे। और अडेनियम वैसे तो कॉस्टली आता है लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं है अभी इस टाइम। और ये नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये कलंचो हैं हाइब्रिड वाले, लेकिन अब उसमें एक तो मेरा ख़त्म ही हो गया लगता है शायद। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया जिसमें पर्पल कलर के फूल आएंगे और इसमें बर्ड्स भी आई हुई हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी है, एक वैरायटी आती है बड़े वाले खड़ी बहुत ज़्यादा बड़े उसके लंबे प्लांट होते हैं। और इधर इस लाइन में ये रखा है बोट लीली, बोट लीली में अभी में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। देखिए एक तो ये है फ्लावर, एक और है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है ये डबल शेड में। ऊपर से इसके पत्तों का रंग है ग्रीन और नीचे की साइड से है पर्पल, इसकी ब्यूटी भी देखते ही बनती है। और ऐसे प्लांट हैं ये जो आपके पास परमानेंट रहते हैं। ये है सामने साइकिल के पीछे ब्लैक रबर प्लांट और उसके साथ में फाइलोडेंड्रोन की दूसरी वैरायटी और डिफनबेकिया की दूसरी वैरायटी। देखिए अगर जब ये प्लांट आप रिपोर्ट करते हैं नर्सरी से लाए हुए, उनको कम से कम 5-6 दिन अपने गार्डन में रखिए, वो हैबिचुअल हो जाएंगे आपके गार्डन के और एटमॉस्फेयर के, और फिर उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं तो वो मरेंगे नहीं। और सोयल वेल ड्रेन रखिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए। सुबह सुबह का टाइम है मॉर्निंग का और मेरे भी मॉर्निंग के रूटीन शुरू हो चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं और इधर मैं पीस रही हूँ गेहूँ। और मैंने सोचा क्यों ना गेहूँ पीसते पीसते मैं गार्डन का भी ओवरव्यू बना लेती हूँ, क्योंकि गार्डन में ही मैंने ये सब कुछ रखा हुआ है। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये है आटा पीसने की चक्की और पीस रहा है आटा। और फ्रेश जो आटा लेते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। ये है मनी प्लांट बड़े पत्तों का और ये है मॉन्स्टेरा की दूसरी वैरायटी और ये फाइलोडेंड्रोन की दूसरी वैरायटी है। ये जो स्टैंड आपको दिख रहा है ये मीशो से लिया था मैंने वाइट, और इस साइड हैं ग्रीन सिंगोनियम और ये है फिडल लीफ प्लांट इधर, और उधर है मेरे गेहूं वगैरह की स्टोरेज कोने में, और ये है क्रिसमस ट्री और इसके साथ ही रखा हुआ है ये प्लांट है। इसकी मैं बोनसाई बनाने की सोच रही हूँ, पीपल नहीं है बरगद की। और ये था इसी के ही पोट में क्रिसैंथमम जो सर्दियों में मैंने कटिंग से लगाए थे और अब इनको अलग मैं कर दूँगी। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू मेरे गार्डन का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर बनता है विद बेल आइकन, क्योंकि इसके बिना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और ये देखिए क्रोटोन की वैरायटी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।